सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में स्वागत है। दोस्तों आज हम ये बेलेनो लाए हैं जिसमें चूहे आ रहे थे। कई भाई के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बेलेनो के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो दोस्तों हम ये बेलेनो के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके डोर को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, और इसका क्या प्रोसेस रहता है हम आपको सारा लाइव दिखाएंगे दोस्तों, और इसमें गाड़ी में कितने चूहों ने नुकसान कर दिया है वो भी हम आपको वीडियो में लाइव दिखाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये चूहे ने पूरी तरीके से कुतर दिया है। इसके बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं दोस्तों, ये पूरी गाड़ी में जगह जगह पर इस तरीके से ही पूरी जगह से इसको उतर दिया है दोस्तों। हम आपको पूरा लाइव दिखाएंगे दोस्तों कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से इसको बोनट को ओपन कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इसका बोनट का बटन होता है दोस्तों, तो इसको पुश कर लेंगे। तो ये फाउल करने के बाद में बोनट ओपन हो चुका है दोस्तों। अब हम ये बोनट ओपन करके देखेंगे दोस्तों, तो ये बॉनट ओपन हो चुका है दोस्तों। हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको गाड़ी के देखिए, ये जो चूहे के पैरों के निशान है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे चूहे आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में नज़र आ रहे हैं चूहे के पैर। अब हम इसको साइड से फाटक ओपन करके भी दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं इसकी बीट्स वगैरह पड़ी हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से चूहे आ रहे थे, यहाँ पे देखिए इसको पूरा कुतर दिए हैं दोस्तों, और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए ये चूहे के पैरों के निशान हैं दोस्तों। अब हम इसको ढक्कन को ओपन करते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे भी पैरों के निशान हैं तो हम वीडियो में लाइव नजर आ रहा है दोस्तों। इसको ओपन करना बहुत इजी दोस्तों, इनको दोनों के साइड से पुश कर ले और ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने इसको बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में नजर आ रहा है दोस्तों, चूहे के पैरों के निशान हैं पूरे। अब इसको हम, ये फिल्टर है, एयर फिल्टर होता है एसी का, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। याद रहे दोस्तों अगर ये ख़राब है तो आप इसको चेंज कर लें। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में इसके यहाँ पे भी बिट्स वगैरह पड़ी हैं। इसको हम साफ़ कर लेंगे और आपको अंदर दिखा दें दोस्तों। देखिए ये जगह जगह इसके चूहे के पैरों के निशान नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये भी चूहे के पैरों के निशान हैं पूरी गाड़ी में। हम अब इसका डैमेज चेक कराते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों पूरी तरीके से मैटिंग खराब कर चुके हैं, और इसकी गाड़ी में सीटें भी खराब हो चुकी हैं दोस्तों। तो हम आपको वीडियो में लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ये चूहे के उतरने के निशान हैं, जो ये सीटें कुतर दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सीट पूरी तरीके से कुतर दी है, वो यहाँ से भी ये सीट पूरी तरीके से यहाँ से भी खा चुके हैं दोस्तों। साइड में भी देखेंगे दोस्तों, ये भी साइड दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको कॉल टॉप को ओपन करने के लिए यहाँ से इसके बटन और ये पाइप निकाल लेंगे। यहाँ से पेचकस की मदद से इसको बटन को पुश करेंगे ताकि हमें ये खोलने में आसानी रहे दोस्तों। तो ये कैप हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये तीन टुकड़ों में आती है दोस्तों, कभी भी ये सिंगल नहीं आती है, हर एक गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग वीडियो होती है दोस्तों। तो
सबसे पहले हम इनको अच्छे से ओपन कर लेते हैं। ये पुश बटन अगर टूट चुके हैं तो दोस्तों आप चेंज कर लें, नहीं तो आपकी गाड़ी चलते समय यहाँ से आवाज़ आ सकती है। ये हमने ओपन कर लिया है दोस्तों। अब इसके हम ये 12 नंबर पाने की मदद से आपके सामने वाइपर खोल के दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम 12 नंबर पाने की मदद से इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास गुटका टामी हो तो आप उससे भी ओपन कर सकते हैं, नहीं आपके पास 12 नंबर पाना है तो आप उसकी मदद से भी इसको ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम इसके दोनों ही बोल्ट ओपन कर लिए हैं और वाइपर को ऊपर की साइड करके थोड़ा सा मूव करेंगे तो कि ये बाहर निकल जाए दोस्तों। ये वाला भी हम इसी प्रकार से इसको पुश करेंगे ताकि ये भी बाहर निकल जाए दोस्तों। तो ये देखिए, हमने दोनों ही बाहर निकाल लिए हैं। अब इसके हम ये कॉल टॉप बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। अगर आप गाड़ी पेड़ के नीचे रखते हैं तो यहाँ से सफाई ज़रूर करा लें दोस्तों, तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो हमने हालांकि बहुत वीडियो में समझा रखा है दोस्तों। अगर आपके पास किसी प्रकार गाड़ी है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए कि आपको किस गाड़ी के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए। और कमेंट्स करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएंगे आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप हम आपको लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे चूहे के कितनी सारी विंगनी पड़ी है दोस्तों, जो बीट्स होती है। तो ये चूहे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी बीट्स है और यहाँ से ये चूहे अंदर जाते हैं। यहाँ से ये जो जाली हुक होती है दोस्तों, यहाँ से पानी निकलने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ से चूहे अंदर आ जाते हैं दोस्तों और इसके अंदर ये अंदर से चले जाते हैं दोस्तों, और फिर आपकी गाड़ी को बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं दोस्तों। जो इस गाड़ी में कितना नुकसान हो चुका है दोस्तों, अगर आप गाड़ी नहीं है आपके पास तो आप नई गाड़ी लेते ही आप इस चूहे का परमानेंट इलाज करा लें किसी एक्सपर्ट द्वारा। याद रहे दोस्तों, किसी एक्सपर्ट द्वारा ही आप ये काम कराएं। नहीं तो क्या होता है कि जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं तो ये भरोसा रहता है कि गाड़ी में चूहे नहीं आते। चूहे आते हैं दोस्तों, और किसी भी प्रकार हम हाईवे पे हो या सिटी में हो और आपके एकदम पैरों पे आ जाए तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। तो आप पहले सबसे पहले इस चूहे का काम करवा लीजिए। तो हम देखिए दोस्तों, ये जाली इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों, और इसको एकदम कंपनी मेट ही ऐड करेंगे दोस्तों। कई भाई क्या करते हैं, इसको पीट के ख़राब कर देते हैं, जो गाड़ी में लगी हुई जो गैप होता है उसको पीट के ख़राब कर देते हैं। तो हम देखिए दोस्तों, इसकी जाली एकदम आपके सामने एकदम सुंदर सी बनाएंगे दोस्तों। काम हमेशा फिनिशिंग से होना चाहिए और लेवल शेप में होगा तो अच्छी लगेगी गाड़ी भी, और जो भी काम करेंगे वो प्रोसेस अच्छा सा नज़र आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने ये जाली का माप ले लिया है, अब इसको हम कट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से इसको कट कर लिया है, अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। याद रहे दोस्तों, हम किसी भी गाड़ी की कॉपी नहीं करते हैं दोस्तों, हम आपको लाइव दिखाते हैं दोस्तों। जो प्रोसेस रहता है वही हम आपको दिखाते हैं, किसी भी प्रकार की काट छाट नहीं की जाती है हमारी वीडियो में। और हमारी वीडियो लंबी होने का कारण यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि भाई क्या करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं बिफोर आफ्टर दिखा देते दोस्तों, सारा प्रोसेस नहीं समझाते हैं। हम जिस भी गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह जो भी होती है उसके पार्ट्स के जो MRP रहती है वही हम आपको बताते हैं दोस्तों। और हमारा यही रीज़न है दोस्तों कि आप की गाड़ी की ओरिजिनलिटी बरकरार रहे, तो जब भी आप गाड़ी में कोई भी पार्ट ऐड कराएं तो आप ओरिजिनल ही ऐड कराएं दोस्तों, उससे गाड़ी की वैल्यूएशन बनी हुई रहती है दोस्तों, और हमेशा किसी एक्सपर्ट द्वारा ही काम कराएं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, तो हमने इसको 1 इंच का फोल्ड किया है ताकि हमारे ये सामने की साइड में प्रेस हो सके। और ये बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। कई भाई क्या करते हैं, सिर्फ जाली लेते हैं, जो स्टील मच्छर जाली होती है वो लगा देते हैं, तो उसमें चूहे नहीं रुक पाते हैं दोस्तों, उसमें जैसे ही बारिश का पानी लगता है और वो सड़ जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से काम ना करें दोस्तों, आप अच्छी सी बढ़िया जाली लें फिर ही आप ऐड करें दोस्तों,
ताकि आपको किसी भी प्रकार या चूहे का काम कराएं आपने, फिर वो 4-6 महीने में चूहे उसको कुतर देते हैं या रस्ट लगने के कारण वो सड़ जाती है, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना कराएं दोस्तों। हम देखिए आपके सामने ये जाली लाइब्रेरी बनाई है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग देख ही सकते हैं आप, ये जाली हमने कम्प्लीटली बना ली है दोस्तों। हर गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग अलग जाली बनती है दोस्तों, तो देखिए हमने ये जाली अच्छे से बना ली है। अब आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं दोस्तों, कहीं से भी गैप नहीं है और इसको एकदम कंप्लीमेंट टाइप ही हमने इसको बनाया है। अब इसमें हम ये स्क्रू ऐड कर लेंगे, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी जाली बनी है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम रहता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा लगाने में दिक्कत आती है, आगे आप लगा सकते हैं दोस्तों। हम ये पेचकस की मदद से इसको स्क्रू को ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने एक स्क्रू ऐड कर लिया है। अब इसके साइड में जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी हम स्क्रू ऐड कर लेंगे देखिए दोस्तों, ताकि हमारे कहीं से भी गैप ना रहे। और याद रहे दोस्तों, आप ये जो जाली लगाते हैं इसमें चूहे का ही नहीं रहता है, कई बार क्या होता है हम किसी जगह पे खेत खलिहान में खड़ी कर देते हैं तो सांप भी यहाँ से घुस सकता है दोस्तों। आप ये मत सोचें कि चूहे ही घुसते हैं गाड़ी में, सांप भी कई बार सांप भी घुस जाते हैं। तो आप हमेशा किसी एक्सपर्ट द्वारा ही ये चूहे का परमानेंट इलाज कराएँ आप, और गाड़ी नहीं हो तो आप नई में ही जरूर काम करवा लीजिए, और आप किसी नुकसान का इंतज़ार ना करें दोस्तों, हमेशा ये काम पहले करवा लें आप, चाहे कोई भी गाड़ी हो। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम उस गाड़ी के भी अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। और कमेंट्स करने से पहले दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएँ और आप हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। हमारे कई भाई के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पास नई बलेनो लीवी है तो उसके अंदर चूहे आ रहे हैं तो उसको किस प्रकार से बंद किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने उन भाई के लिए भी वीडियो बनाई है जिन्होंने भाई ने हमें कमेंट्स किया था। और भी आपको नई नई अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसकी जाली को अच्छे से ऐड कर लिया है, ये प्रॉपरली फिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी गैप वगैरह नहीं है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, एकदम प्रॉपरली फिटिंग आ चुकी है दोस्तों, कहीं से भी कोई गैप नहीं है। अब दोस्तों हम ये जो यहाँ पे कॉल टॉप के नीचे ये बार बार नहीं खुली जाती है तो इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए इसकी जो बीट्स वगैरह हैं, इसको सबको हम हटा लेंगे दोस्तों। तो हम इसको धोने के लिए तैयार हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। कई भाई इस गाड़ी को पेड़ के नीचे रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ के पत्ते ऐड हो जाते हैं, जो हमने कई वीडियो में बता रखा है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों पत्ते आने के कारण यहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है और वापस से यहाँ से रस्ट लग सकती है दोस्तों। हमारी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से वीडियो में समझाया था दोस्तों। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसको क्लीन कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बार बार नहीं खुली जाती है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। कि आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे मिट्टी कितनी सारी ऐड हो चुकी थी, तो हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आप जब भी गाड़ी वॉश कराते हैं तो यहाँ से ये क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल टॉप लगी हुई रहती है जो किसी भी
प्रेशर वगैरह कहीं यहाँ पे काम नहीं करता है दोस्तों। तो आप हमेशा इसको गाड़ी को, जो भी गाड़ी है आपके पास, उसको यहाँ से 4 से 6 महीने के अंदर यहाँ से क्लीन वॉश करा लें आप, नहीं तो आपकी गाड़ी रस्ट लग सकती है और फिर आपको बड़ा खर्चा उठाना पड़ सकता है दोस्तों। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, अपनी गाड़ी की केयर कीजिए दोस्तों, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट द्वारा मिस्त्री से मिले तो वो आपकी गाड़ी की अच्छे से केयर कर सके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको क्लीन कर लिया है, अब इसके अंदर ये कॉल्टॉप वापस ऐड करेंगे दोस्तों। कॉल्टॉप ऐड करने से पहले दोस्तों आप चेक कर लें कि कोई बटन टूटा हो तो आप चेंज कर लें दोस्तों, या नया ऐड लगा लें दोस्तों। तो हम ये वापस इसकी उसी तरीके से जो ओपन किया था उसी तरीके से इसको फिटिंग कर देंगे। तो ये वाइपर की हमने फुहार की वाली पाइप ऐड कर ली है दोस्तों। अब इसके हम ये पुश बटन है दोस्तों जो हम ऐड कर लेंगे, ये बहुत ही ईजी होते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसको बस ऊपर की साइड से इसको नीचे की साइड इसको पुश करना पड़ता है, ये इजी वे फिटिंग हो जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके आपको वीडियो में दिखाए हैं दोस्तों कितना अच्छा तरीके से प्रोसेस हो चुका है दोस्तों। और कई बाइक के कमेंट्स थे दोस्तों कि हम जो वाइपर ऐड करते हैं वो किस प्रकार से ऐड करें ताकि एक दूसरे से टच ना हो, तो हम ये भी वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। ये साइड का लॉक है जो हमने ओपन किया था दोस्तों, इसको वापस से ऐड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें ये ऐड कर लिया है और ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसी प्रकार से हम ये दूसरा साइड वाला भी ऐड कर लेंगे। हमारा वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है दोस्तों, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करते हैं दोस्तों और अच्छे से समझाते हैं, ताकि किसी भी भाई को कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाइपर ब्लेड होती है, ये छोटी होती है जो लेफ्ट साइड में आती है, और बड़ी वाली है जो राइट हैंड में आती है, और इसका कितना स्पेस रहना चाहिए हम आपको वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों ही वाइपर इसमें ऐड कर लिए हैं, और इसका ये डिस्टेंस रहता है दोस्तों, यहाँ से आप आधा इंच छोड़ सकते हैं और यहाँ से ये इसका गैप प्रॉपरली मिल जाएगा। अगर वहाँ से कांच की साइड से आप आधा इंच नहीं छोड़ रहे तो यहाँ से वाइपर की साइड से कॉर्नर से आप इसको 1 इंच छोड़ सकते हैं, ताकि आपका गैप प्रॉपरली ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके बोल्ट ऐड कर लिए हैं, अब इनको हम पानी की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको 12 नंबर फाने की मदद से अच्छे से टाइट कर लिया है। अब ये जो कैप है इसकी वाइपर की, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अभी हमने ऐड कर लिया दोस्तों, अब इसके हम ये सारे जो सामान हमने ओपन किए थे तो इसको अच्छे से झटक लेंगे, साफ क्लीन वॉश कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसको लगा लेंगे दोस्तों। तो ये लगाना भी बहुत इजी है दोस्तों, इसको हम अंदर की साइड पर डाल देंगे। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे UP लिखा हुआ है, तो ऊपर की साइड रखें। अब इसमें ये लाइफ टाइम तक चूहे नहीं आएंगे दोस्तों, और ये हमने इसको अच्छे से फिटिंग कर लिया है, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और इसकी ये कैप हम ऐड कर लेंगे, और ये प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों गाड़ी। इसका ये स्पेयर पार्ट्स हम वापस रख लेंगे दोस्तों, जो भी सामान होता है वो अंदर रख के इसको बंद कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, ये सामान रखने के कारण वो बंद नहीं हो पाता, तो उसको अच्छे से एडजस्ट करें फिर आप इसमें ऐड करें। तो ये कैप भी हम इसमें ऐड कर लेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस।